हाथ जोड़ करके कि देश के रक्षकों को गाली कोई देता है तो उस रक्षक को गाली नहीं पड़ता है बल्कि उस व्यक्ति को पड़ता है, देश को पड़ता है। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो अब उन लोगों का स्टेटमेंट सुनिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकता। एक आदमी को आर्मी में लेने का चार आदमी को लेते हैं, चार आदमी में चार को ट्रेंड करके एक को लेके तीन को रेडी टू जॉब रखते हैं। अगर रेडी टू जॉब को गाली देना है और आर्मी में जाने वालों को गाली देना है तो मैं सबको प्रणाम करता हूं, गाली देते रहे। नरेंद्र मोदी अग्निवीर को वीर बना करके देश के सामने प्रस्तुत कर चुका है क्योंकि जो प्रशिक्षु हैं उनका कई बार स्टेटमेंट आ चुका है, उनका इंटरव्यू आ चुका है, इसलिए मुझे नहीं कुछ कहना है। जगदा बाबू ने कहा है कि जैसे अंग्रेज को भगाए थे उसी तरह बीजेपी आरएसएस को भी भगाएंगे। बिहार में पहले पीएफआई को तो भगा दें जो नाक के तले देश के अंदर में मुस्लिम राष्ट्र आईएसआई का बनाना चाहता है, वो तो बढ़ा उसको हटा दें। इनकी जुबान नहीं खुलती है, ये वोट के लालच में बिहार के अंदर वैसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो बिहार के पूर्वांचल में या बिहार के पटना में छाती ठोक करके इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता है। कानून व्यवस्था पर क्या कहें? कानून व्यवस्था आज बेगूसराय बिहार की हृदय स्थली है, आदोई घराने आदोई का, लेकिन यह उद्योग तभी फलेगा फूलेगा जब अमन चैन होगा। यहाँ मुख्यमंत्री फरवरी में आए, मैं केवल फरवरी का कह रहा हूं, 16 तारीख को, केवल 16 को घटना नहीं घटी है, नहीं तो 16 के पहले और 16 के बाद रोज हत्या अपराध हो रहा है। यहां अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, बेखौफ हो गया है, अपराधी बेखौफ हैं और लोग अपने डर से घर में दुबका हुआ शाम को निकल के घर शहर से घर आ जाता है।